होप आप सब बहुत अच्छे होंगे खुश होंगे स्वस्थ होंगे अपनी लाइफ में मस्त होंगे मैं भी बहुत अच्छी हूँ आज फिर आप सभी के लिए एक नई वीडियो लेकर के आई हूँ जी हाँ आज की वीडियो में आप सभी के साथ छाइया झुरिया काले दाग धब्बों को दूर करने के लिए क्रीम शेयर करेंगे वो क्रीम हम बनाएंगे पटेटो से जी हाँ आलू से तो ये आलू आपके चेहरे से पुरानी से पुरानी छाइयों को भी दूर करता है आपकी स्किन के दाग धब्बों को भी दूर करता है टैनिंग को भी दूर करता है आपकी स्किन जो डल हो गई है तो ये प्रॉब्लम भी दूर करता है आपकी स्किन की चमक कहीं खो गई है तो आपकी चमक को भी वापस लाता है जी हाँ तो आज की वीडियो में हम घर पे ही बनाएंगे पोटैटो क्रीम जो हमारी पिगमेंटेशन डार्क स्पॉट ब्राउन स्पॉट को दूर करके हमारी स्किन को हेल्दी बनाएगी बेदाग बनाएगी ठीक है तो ये क्रीम आप टीन एजर में तो भी लगा सकते हैं बट पहली बार लगाएंगे तो पेस्ट टेस्ट करेंगे क्योंकि सबकी स्किन अलग होती है सबको हर चीज सूट नहीं करता है और सबसे अच्छी बात इस क्रीम को आप बना करके वन वीक के लिए स्टोर कर सकते हैं ये क्रीम आपको फ्रिज में ही स्टोर करना होगा जी हाँ रूम टेम्परेचर पे नहीं स्टोर करना है आपको और इस क्रीम से आपकी स्किन लाइट भी होगी ब्राइट भी होगी टाइट भी होगी साथ ही आपकी स्किन का खोया हुआ नूर भी वापस आएगा तो फटाफट चलते हैं हम किचन में क्रीम को बना लेते हैं इससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करती हूँ अगर आपको मेरे वीडियो बहुत अच्छे लगते हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिलता रहे और यू ही प्यार से आप मेरे वीडियो देखते रहिए कोई भी क्वेश्चन हो कोई भी जानकारी आपको मेरे से लेनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा मेरी आईडी है बबिता राज के नाम से ठीक है तो चलिए चलिए तो दोस्तों आज की रेमेडी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने चार आलू लिए हैं पटेटो जी हाँ ये आलू छोटे साइज के हैं इसलिए मैंने चार लिए हैं अगर आपका आलू बड़े साइज का है तो आपको दो ही आलू लेने हैं जी हाँ तो आज हम बनाएंगे पटेटो क्रीम जो हमारे पिगमेंटेशन काले दाग धब्बों को दूर करेगी तो सबसे पहले हम यहाँ पर आलू को छिल लेंगे छिल के आपको हटा लेने हैं तो दोस्तों उम्र बढ़ने के साथ अगर आप अपनी स्किन का सही से देखभाल नहीं करेंगे तो आपकी स्किन पे दाग धब्बे भी होंगे पिगमेटेशन भी होगी उम्र के पहले झूरियाँ भी आएंगी छाइयाँ भी आएंगी इसलिए मैं कहूँगी कि उम्र के साथ साथ आप अपनी स्किन का भी केयर करते रहिए तो उम्र के पहले आप बूढ़े नहीं होंगे आपकी स्किन हेल्दी रहेगी यंग रहेगी चमकदार रहेगी तो यहाँ पे मैं आलू की सारी छिलके हटा देती हूँ इसके बाद आलू को धुल के छोटे छोटे पीस कट कर लेंगे आप सभी जानते हैं आलू एक तरीके नेचुरल ब्लीच है हमारे स्किन को नेचुरल तरीके से ब्लीच करता है आलू में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो हमारी पुरानी से पुरानी छाइयों को दूर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं तो आज जो हम क्रीम बनाएंगे ना ये क्रीम आपकी स्किन को ग्लास स्किन भी बनाएगी और आपकी स्किन की ये सारी समस्या को जड़ से ख़त्म कर देगी तो इस तरीके से जिस तरीके से मैंने आलू के छोटे छोटे पीस कट किए हैं इस तरीके से आपको भी आलू को काट कर कट कर लेना है अब यहाँ पे मैंने मिक्सर जाल लिया है अब इसमें सारे आलू को मैं डाल देती हूँ ठीक है आप चाहो तो यहाँ पे आलू को छिलके कद्दूकस भी कर सकते हैं घिस भी सकते हैं बट मैं इस तरीके से निकाल रही हूँ इसके बाद मैंने यहाँ पे दो बड़े चम्मच रोज़ वाटर डाल दिया था रोज़ वाटर डालने के बाद इस पटेटो को मैंने पीस लिया ये देख सकते हैं आप बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट रेडी हो चुका है इस तरीके से आपको आलू को पीस लेना है उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर आपको लेना है कॉटन का कपड़ा सूती कपड़ा लेना है या छन्नी जैसे आपको ईजी हो आप उस तरीके से पटेटो जूस निकाल लेंगे जी हाँ जो भी इजी तरीका हो आप वो तरीका अपना सकते हैं मैं इस तरीके से निकालती हूँ तो यहाँ पे मैं आलू का जितना भी पानी है इस कपड़े की हेल्प से निचोड़ के सारा पानी निकाल लेती हूँ ठीक है आप जानते हैं जो आलू में स्टार्च होता है वो ब्लीच होता है जो हमारे डार्क स्पॉट और ब्राउन स्पॉट को लाइट करके हमारे कलर को फेयर कर देता है हमारे स्किन पर जो दाग धब्बे हैं उसे जड़ से ख़त्म कर देता है जी हाँ तो यहाँ पे एक बाउल मैंने पटेटो जूस लिया है अब यहाँ पे मैं दो बड़े चम्मच आप कह सकते हैं ये है रॉ मिल्क कच्चा दूध जी हाँ यहाँ मैंने गाय का दूध लिया है कच्चा दूध आपके पास गाय का दूध नहीं है तो आप कोई सा भी दूध ले सकते हैं बट वो दूध कच्चा होना चाहिए क्योंकि दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है जो हमारे स्किन को चमकीला बनाता है लचीला बनाता है हमारे स्किन के कलर को फेयर करता है तो यहाँ पे आलू के जूस में मैंने दूध डाला और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया मिक्स करने के बाद यहाँ पे क्या करना है आपको गैस के ऊपर एक भगोना रखना है उसे हीट करना है गर्म करना है जब भगोना गर्म हो जाए तो गैस की फ्लेम स्लो कर देनी है और ये सारा रेमेडी आपको इस भगोने में डाल देना है और इसको हिलाते रहना है छोड़ना नहीं है आपको इसे हिलाते रहना है कब तक हिलाना है जब तक ये थिक ना हो जाए गाढ़ा ना हो जाए आपको लगे कि ये रेमेडी हमारी थिक हो चुकी है गाढ़ी हो चुकी है क्रीम की तरीके से हो चुकी है तब आपको गैस को बंद कर देना है आप देख रहे होंगे कि मैं जैसे जैसे इसे हिला रही हूँ और ये जो हमारा दूध और पटेटो जूस है वो थिक हो चुका है ये देखिए मैंने इतना गाढ़ा रखा है इतना ही गाढ़ा आपको भी रखना है तो ये जो हमारी क्रीम है ना इसमें कुछ चीज़ें अभी और भी मिक्स होंगी जो हमारे स्किन को लाइट और ब्राइट बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी अब यहाँ पे जो हमने पटेटो क्रीम बनाई है इस बाउल में मैं ट्रांसफ़र कर लेती हूँ अब इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे जी? और दोस्तों ये जो क्रीम है आपकी चेहरे से झुरियों को भी दूर करेगी एंटी एजिंग प्रॉब्लम को भी दूर करेगी आपके स्किन को टाइट करेगी उम्र के पहले आपके फेस पे झूरियाँ आ गई हैं तो ये प्रॉब्लम दूर होने वाली है तो चलिए अब इसमें क्या हम मिक्स करेंगे हम इसमें मिक्स करेंगे विटामिन ई e कैप्सूल हम यहाँ पर तीन कैप्सूल लेंगे इसे कट करके इसका सारा ऑयल इस रेमेडी में मिक्स करेंगे विटामिन ई e कैप्सूल आपकी स्किन को यंग बनाता है आपकी स्किन जो झुलस गई है आपकी स्किन जो डैमेज हो चुकी है तो ये प्रॉब्लम दूर करता है आपकी स्किन को हील करता है हाइड्रेट रखता है आपकी स्किन पे एक नमी लाता है जी हाँ इसे डाल के मिक्स कर लेते हैं इसके बाद हम यहाँ पे जो ऐड करने जा रहे हैं वो ले रहे हैं वन स्पून आलमंड ऑयल बादाम का तेल बादाम के फ़ायदे तो आप सभी जानते हैं बादाम में विटामिन ई e पाया जाता है जो हमारे स्किन को बहुत ज़्यादा फायदे पहुंचाता है हमारे स्किन के लिए हेल्दी होता है विटामिन ई हमारे स्किन को यंग और चमकीला बनाता है इसके बाद हम इसमें जो ऐड करेंगे वो लेंगे एलोवेरा जेल जी हाँ कोई सा भी ले सकते हैं बट आपको फ्रेश नहीं लेना है अगर आप इस क्रीम को बना के स्टोर कर रहे हैं वन वीक के लिए तो आपको मार्केट का ही एलोवेरा जेल लेना है दो बड़े चम्मच इसे भी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे एलोवेरा जेल में एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीडेंट गुड़ पाया जाता है जो हमारी स्किन रूखी बेजान हो जाती है तो इस प्रॉब्लम को ये दूर करता है हर टाइप के स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है ठीक है सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप देख सकते हैं मिक्स होने के बाद हमारी क्रीम बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी है अब बारी आती है इसे स्टोर करने के लिए तो स्टोर हम कैसे करेंगे कांच का ही कंटेनर लेंगे प्लास्टिक का नहीं लेना है ना ही स्टील में आपको स्टोर करना है एयर टाइट कंटेनर में आपको इसे स्टोर करना है इस तरीके से सारी रेमेडी आप इस बाउल में मतलब इस कंटेनर में डाल देंगे और एयर टाइट आपको बंद करके इसे फ्रिज में स्टोर करना है जी हाँ रूम टेम्परेचर पे आपको स्टोर बिल्कुल भी नहीं करना है जब लगाना होगा तब इसे आपको फ्रिज से निकालना होगा तो चलिए अब इसे लगा के दिखाते हैं इसे कब लगाना है इस क्रीम को आपको रात में ही लगाना है डे में नहीं लगाना है सोने के पहले आपको सबसे पहले आपको फेस वाश करना है फेस को बहुत अच्छे से क्लीन कर लेना है आप टीन में तो भी लगा सकते हैं मैंने पहले ही बताया है लगाने के पहले पहली बार लगाएंगे तो एक पेस्ट टेस्ट करेंगे ठीक है फेस वॉश करने के बाद मैंने यहाँ रोज वाटर लिया फेस को अच्छे से डिप क्लीन किया है अब हम बारी आती है इस क्रीम को लगाने की क्रीम लगाने का कुछ अलग सा तरीका है आपको दिखाती हूँ और लास्ट तक बने रहिएगा किस तरीके से लगाना है ठीक है पूरे फेस पे मैंने क्रीम लिया डिप डिप किया अब यहाँ पे मैं इसे मसाज करूँगी जी हाँ और ये मसाज आपको कम से कम चार से पाँच मिनट करना है ठीक है ये रेमेडी आपकी स्किन की गहराई में जाए वहाँ से आपकी स्किन को हील करे ठीक है आपके ओपन पोर्स की गहराई में जाए और आप जब मसाज करोगे तो आपके स्किन पे एक अलग सा ग्लो आएगा क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी अच्छा हो जाएगा तो यहाँ पे दोस्तों मैंने मसाज कर लिया अब इसे 10 मिनट के लिए यूं ही छोड़ देंगे दस मिनट के बाद फिर से हम हल्का सा मसाज करेंगे अपने फेस पे और जब हम मसाज करेंगे ना तो आपकी फेस पे जो एक्स्ट्रा रेमेडी जमा है जी हाँ वो आपकी स्किन से निकल के बाहर हो जाएगी आपके पे, चेहरे पे जो डेड स्किन जमा है उसी के साथ मतलब ये क्रीम आपके चेहरे से डेड स्किन को निकालते हुए बाहर होगी अभी मैं आपको दिखाती हूँ ये देखिए इस तरीके से काली काली रेमेडी आपकी स्किन से निकल जाएगी और इसके बाद आपको फेस पे कुछ भी नहीं लगाना है यू ही सो जाना है ठीक है चलती हूँ फिर मिलती हूं।